साथ सृष्टि राय बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जशपुरा नगर में भारतीय जनता पार्टी ने कुनकुरी थाना का आज घेराव करने के बाद घोषणा कर दी है। भाजपा का आरोप है कि उनकी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता से कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज द्वारा किए गए बदसलूकी और मोबाइल छीनने के मामले में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने अब तक मिंज के खिलाफ प्राथमिकी अभी तक नहीं दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दीपावली के दूसरे दिन आज जंजगिरी में गौरा गौरी पूजन करने पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम बघेल ने हाथ पर चाबुक भी खाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के वहां पर गौरा गौरी पूजन का विधान है, रात भर गौरा गौरी का निर्माण करते हैं और सुबह उनकी पूजा करते हैं, इसके बाद घर घर जाते हैं और उनकी आरती ली जाती है, नारियल भेंट किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का शिक्षा विभाग में संविलियन में 8 साल हो चुका है और इन 7 वर्षों में 23 करोड़ की लागत से बनने वाले 250 अधूरे स्कूलों का काम पूरा नहीं हुआ है। हैरत की बात तो ये है कि निर्माण कार्य को पूरा किए बगैर ही राशि जारी कर दी गई है। तत्कालीन समय में निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को एजेंसी बनाई गई थी। कानन पेंडारी झू को पॉलिथिन मुक्त करने की वजह से नई पहल सार्थक रही है। जी हाँ, लगभग पॉलिथिन मुक्त हो गया है और दरअसल पर्यटक अमानत राशि ने डूब जाए इसकी वजह से, इसी डर की वजह से पॉलिथिन बॉटल और प्लास्टिक का कोई भी सामान नहीं फेंक रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो अपने साथ वापस लेकर के जा रहे हैं और वापस गेट पर पहुंचते हैं, इसके बाद बाहर रखे हुए कूड़ेदान में लोग डाल दे रहे हैं। जो प्रबंधन ने इस नई व्यवस्था को इसी सोच के साथ लागू किया था ताकि प्लास्टिक को बिल्कुल भी कट ऑफ कर दिया जाए, यानी कि पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।